जोरदार कहानी है भाई, बहुत अच्छे रचनाकार हैं भाई रोहित विश्वकर्मा जी। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदे के मुक्तक से मैं अपनी कविता की शुरुआत करता हूँ। कि शब्द मन पुष्प से माँ करूँ वर्चना, शब्द मन पुष्प से माँ करूँ वर्चना, सुत का दुख दर्द माता तुम्हें देखना। तो कविता के मंच पर जब भी आया करूँ, मेरी कविता में हो आपकी वंदना, मेरी कविता में हो आपकी वंदना। और आज भगवान निषाद राज जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, मैं उन पर एक दो छंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनेगा। कि संगवेरपुर के महीप राम के समीप बैठे एक साथ पढ़े उनका भी नाम है, संगवेरपुर के महीप राम के समीप बैठ पढ़े उन बैठ एक साथ पढ़े उनका भी नाम है। और वनवास के समय राम जी के मित्रवत मदद कराने के निराले कुछ काम है। तो ऐसी राम भक्ति देखी हमको निषाद जी में, लगता स्वयं आज खुद वो भी राम है। ऐसी राम भक्ति देखी हमको निषाद जी में, लगता स्वयं आज खुद वो भी राम है। तो ऐसे भगवान राम के सखा निषाद जी को, करता है रोहित भी झुक के प्रणाम है, करता है रोहित भी झुक के प्रणाम है। और एक क्षण जोड़ता हूँ कि वनवास समय संगवेरपुर में ही राम जी का भव्य स्वागत निषाद ने कराया था। और राम सीता लक्ष्मण गंगा पार कैसे होते, केवट से कहे नाव से ही उत्तर आया था। तो वनवास काटने के बाद भी तो राम जी का पुष्पक विमान भी निषाद घर आया था। तो अयोध्या से पहले ही प्रभु श्री राम जी ने अपने निषाद को गले से भी लगाया था, अपने निषाद को गले से भी लगाया था। और यह जोड़ता हूँ, उनका जब रात तिलक हुआ था तब भी निषाद जी गए थे, आदरणीय गुरु जी ने बताया है कि वनवास छोड़ो राम जी का राज तिलक था, उसमें निमंत्रण राम जी ने भिजवाया था। और मानते हैं दूर देश राजाओं को अपना ही राज अभिषेक कहे सबको बुलाया था। तो पर यहाँ तक राम राज अभिषेक में भी सच्ची मित्रता का भाव सबको दिखाया था। और उसमें भी अपने सखा निषाद जी को ऊंचा पद दे के मुख्य अतिथि बनाया था, ऊंचा पद दे के मुख्य अतिथि बनाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सीधे सीधे मैं अपनी विधा पे आता हूँ। भगवान राम के इस समय जन्म हो और वनवास की अगर परिस्थितियां बनती हैं तो क्या होगा कि माता और पिता के वचनों को यदि माना प्रभु वनवास अब की न तुमको सुहाएगा, माता और पिता के वचनों को यदि माना प्रभु वनवास अब की न तुमको सुहाएगा। और कलिकाल में जो भाईचारे का है बैरनाथ, उसे देख लक्ष्मण साथ ना निभाएगा। तो राजनीति का जो मुख्य द्वार है अवध आज, इसलिए चित्रकूट भरत न आएगा। राजनीति का जो मुख्य द्वार है अवध आज, इसलिए चित्रकूट भरत न आएगा। और 14 वर्ष के लिए जो वनवास गए आप, अब की भरत अंबानी बन जाएगा, अब की भरत अंबानी बन जाएगा। और आगे की परिस्थितियां देखेगा कि माना आप तीनों लोग वनवास चल दिए, अयोध्या की भांति कोई साथ नहीं जाएगा। और प्रभु गंगा तट पे जो केवटी की याद आई, नाथ आरटीओ की पोस्ट में ही मिल पाएगा। तो पेन आधार कार्ड पहचान है तू नाथ, पेन आधार कार्ड पहचान है तू नाथ, नहीं लाए साथ ये चेकिंग करवाएगा। और पैसा यदि घुस के दिया नहीं प्रभु जी आपको, उसी वक्त आपको ये जेल भेजवाएगा, उसी वक्त आपको ये जेल भेजवाए। और श्राप मुक्ति के लिए अगर कोई काम करते हैं, उन्होंने किया था
तो माना आप श्राप मुक्ति के लिए यहाँ भी राम काम की अमरी यादा नहीं बच पाएगी और झूठे के स्थानों बीच दर्ज होते रोज यहाँ आपको भी इस वक्त पुलिस सताएगी। तो अहिल्या की भांति किसी नारी को जरा भी राम हाथ भी लगाया छेड़छाड़ लग जाएगी। अहिल्या की भांति किसी नारी को जरा भी राम हाथ भी लगाया छेड़छाड़ लग जाएगी और उसी वक्त उसी छेड़छाड़ वाले मामले में पुलिस ही नाथ तुम जेल भेजवाए, पुलिस ही नाथ तुम जेल। अभी कोरोना काल में लोग बताते हैं कि डॉक्टरों ने बहुत बड़ा काम किया लेकिन कुछ फायदे भी उठाए। मैं फायदा बताता हूँ कि एक बार कोरोना के समय बीच सी मुसर जांच हेतु आए तभी बात ये कहा हूँ जी। एक बार कोरोना के समय बीच सी मुसर जांच हेतु आए तभी बात ये कहा हूँ जी। देखा एक डॉक्टर एक लड़की के होंठ पर किस करे उस वक्त मैं वहां हूँ जी। तो सीमो डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कोरोना की जांच करनी थी देखता ये क्या यहाँ हूँ जी। तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट किट नहीं बची मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूँ, मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोबारा दादा कर दे सर। एक बार कोरोना के समय बीच सी मुसर जांच हेतु आए तभी बात ये कहा हूँ जी कि देखा एक डॉक्टर एक लड़की के होंठ पर किस करे उस वक्त मैं वहां हूँ जी। तो सीमो डॉक्टर से कहा कि तुम्हें कोरोना की जांच करनी थी देखता ये क्या यहाँ हूँ जी। तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट किट नहीं बची मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूँ जी, मुंह से ही सर सैंपल ले रहा हूँ जी। और एक बदले का देखे छंद पढ़ता हूँ कि बदले में लोग क्या क्या कर सकते हैं, सुनिएगा। एक महिला को घी की रोटी साढ़ को खिलाते देख व्यक्ति ने कहा कि काल पल रहा है और तुम्हें तुम्हें तो पता नहीं है ये है साढ़ कितनों की हड्डी तोड़ दिया सबको खल रहा है। तो महिला ने कहा यह सब जानती हूँ पर मेरे पति डॉक्टर को ये फल रहा है कि उनका जो अस्पताल हड्डियों के टूटने का इसकी वजह से देखो आज चल रहा है, इसकी वजह से देखो आज चल रहा है। एक बार गुरु जी ने हमें आशीर्वाद दिया कि आप बेटा बहुत आगे तक जाएंगे। तो एक क्षण निवेदित करता हूँ। एक बार ट्रेन में ही जा रहे थे मुझे नींद आ गई तो ये है बात कौन बतलाएगा। तो जहाँ जाना उससे तो 2000 किलोमीटर आगे चले गए हर कोई घबराएगा। तो तब मुझे याद आया एक बार टीचर ने कहा था कि तुम्हें बेटा कोई नहीं पाएगा और देख लेना मेरे इन आशीर्व वचन से तू एक दिन बेटा तू बहुत आगे जाएगा, एक दिन बेटा तू बहुत आगे जाए। और तहसील के सामने आज एक सम्मेलन हो रहा है। एक क्षण मैं न्यायपालिका पे उठाता हूँ कि जंगलों में भैंस से तो चूहा बोला भागती हो, भैंस बोली हाथी को पकड़ने को आएंगे। तो चूहा बोला कौन, भैंस बोली कि पुलिस वाले। फिर चूहा बोला वो हो जांच करवाएंगे। तो भैंस बोली चूहे से कि लगता नए हो तुम, पकड़े गए तो ऐसे नहीं छूट पाएंगे। और फिर हमें भारत के न्यायपालिका में भैंस सिद्ध करने में 20 साल लग जाएंगे, हमें 20 साल लग जाएंगे। और एक सरकारी काम से कामकाज से है हासिल कि औरतों ने विधवा ही पेंशन का फार्म भरा, अधिकारी बोले जांच करने को आएंगे। तो आके बोले पति मर कितने हुए हैं दिन, औरत ने कहा अब जिंदा मिलवाएंगे। तो अधिकारी बोले फिर फार्म क्यों तू भरती है, महिला ने कहा सुनो तुम्हें समझाएंगे कि सरकारी काम में तो टाइम लगता है सर, तब तक मेरे पति भी तो मर जाएंगे, तब तक मेरे पति भी तो मर जाएंगे। भाई प्रेम से हाथ पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, क्षण पढ़ता हूँ। एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपस में देखा 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे। एक बार प्रेमी और प्रेमिका को आपस में देखा 4 घंटे से वो दोनों लड़ते रहे।
तो हमने कहा कि भाई ऐसी कौन बात हुई एक दूसरे के जो तमाचे जड़ते रहे। तो प्रेमी ने कहा कि यह शादी दूसरे के साथ करने को हम 5 साल मरते रहे। तो मैंने कहा छोड़ो भाई प्राइवेट नौकरी सा सोच लेना संविदा पे प्यार करते रहे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।